तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून के राजभवन में पद की शपथ दिलाई। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से लोकसभा सांसद हैं। वे उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को 19 मार्च को होने वाले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा प्रतिष्ठित 2021 FIAF अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज 11 मार्च 2021 से आयुष्मान पखवाड़ा शुरू किया गया। 24 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लोगों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के रांची में शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची जारी की है। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार तीसरे महीने टॉप किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 9 मार्च 2021 को अपना अंतरिम आर्थिक आउटलुक प्रकाशित किया। यह अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 12.6% की दर से बढ़ेगी। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 37 सदस्य देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान का एक संघ है। यह आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार की देखभाल के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है।